ये रो रहा है जाने के लिए क्योंकि इसकी मम्मी जा रही है, तो इसलिए रो रहा है कि मैं अभी जाऊंगा। और मेरा पर्स लेके बैठा हुआ है, ये देखो इसके हाथ में, ये पर्स है, मेरा पर्स लेके बैठा हुआ है कि जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा, घर जाऊंगा। चल गाइस, आरू ना बहुत ज्यादा रो रहा था जाने के लिए साथ में, बट मैं इसको साथ में नहीं ले जा सकती क्योंकि ड्राइव मैं ही करूंगी, आरू के पापा हैं नहीं, ड्यूटी पे हैं वो, तो इस वजह से मैं इसको ले जा नहीं सकती थी। तो साथ में देखो अब इसको सुला दिया, अब इसको सुलाऊंगी और इसकी नानी के पास छोड़ूंगी इसको, और फिर मैं जाऊंगी अपने भाइयों के साथ। तो गाइस पहले पहना दूसरे कपड़े, अब आउटफिट चेंज कर लिया पूरा का पूरा, अब दूसरे पहन लिया और चलो चलते हैं। तो गाइस मैं ना अब अपने भाई के साथ भी एक प्रैंक करने, प्रैंक इतना ज़्यादा मन करने लगा ना करने का, तो अभी अभी हम लोग वैसे तो जा रहे थे अपनी कार से, बट कार का किसी कारण चेंज हो गया प्लान, तो अब हम जा रहे हैं। मेरे फ़ोन का स्टोरेज हो गया, मैं अभी गाड़ी में ठीक कर लूँगी इसको। हाँ तो मैं बोल रही थी कि अभी हम करेंगे शुभम में प्रैंक, जो कि पैदाइशी रईस बंदा समझता है अपने आप को, बट वो है नहीं, तो हम उस पर प्रैंक करेंगे। हम जा रहे हैं बाय ऑटो, तो देखते हैं वो तैयार हुआ हुआ है, वो क्या रिएक्शन देगा, वो मुझे पता क्या, मैं जाऊंगा ही। हम कैब से रहे हैं, बट हम उसको बोलेंगे कि मोटर से ले पकड़, तो वीडियो शूट करियो। मेरा फोन मेरे को पकड़ा है, ऐसे ऐसे शूट करूं? अबे ऑटो सही तो है, ऑटो कम लग रहे वे। अबे तो एक एक पहिया ही तो कम है उसमें। हाँ, तो लगा दी थोड़ी इतने, एक ही तो पहिया कम है। पापा देखो कैब कर रहा है, कैब रैपिडो कर, रैपिडो कर, रैपिडो कर, कैब वैब ना करनी, बैन दे बिल्कुल भी, फिर पेनल्टी दे, फिर मत कहियो। तो ये क्या बात हुई, जब कह रही है तो लेके जा रही है, क्या होगा पापा वहां जाके पैसे खर्च करके, एसी वाला ऑटो वो भी उतरी नहीं है, अभी अभी बैठी रहेगी पूरी, पता नहीं क्या सोच रही है, देखो सोच रही है कुछ, पूछते हैं इससे। देखो गेट भी, बहन क्या सोच रही हो? आगे गाइस नगर की मार्केट में, क्योंकि मैंने सुना नहीं था कमला मिलती है, यहाँ कमला नहीं मिलती, बट यहाँ पे हर शोरूम मिल जाते हैं, तो लेट्स सी हमारा भाई क्या लेता है। तो ये कमला मार्केट, कमला मार्केट वैसे मैंने यहाँ की सुना है ना, लोकल मार्केट भी ऑसम है, तो मैं तो लोकल मार्केट में भी शॉप कर सकती हूँ। शुभम को लग जाती है पैसे खर्च करने की चुन, भूख नहीं लगती, चुन लगती है। तो इन्होंने आते ही मेरे पैसे खर्च करा दिए दोनों भाइयों ने, पता नहीं क्या है देखो, और आते ही झूठा भी कर दिया। चलो अब मार्केट बंद हो रही है। तो गाइस अभी हम लोग मार्केट का एक्सप्लोर कर रहे हैं, और अगर लक्की का मोबाइल चोरी हो जाता है तो वो इसने शहीद कर दिया व्लॉगिंग में, है ना, कितना क्यूट भाई है मेरा, ना कोई छीन के भग जाएगा। ये अच्छी लगेगा मुझ पे, वो कहाँ लगेगा, अगला रुक गया ना, करा रहा हूँ भाई, मैं रहने रखने की भूखी बन गई है, तो अगले सांस के लिए अब मैं उससे मांग नहीं रहा, किस चीज़ पे बन रही है, बस बाल खुले मैं इसमें। आदित्य आदित्य से वो फिल्टर लगा देना, उसको बताओ। ओए नहीं बे, ओए नहीं, गाड़ी अब उठ के आइए, पकड़ लेंगे भैया, आने दे, ये वाला मत करो, टिकल भी ओए ये भाई, ओ सो 5 मिनट लगा।
हाँ तो नाइट फूल जित रही है। अभी नहीं बाबू ये देख लीजिए लंबा है। ओए अब तेरे साथ एंजॉय करना तो ऐसे करना पड़ेगा। बहुत ही बदतमीज है। अभी ये बंदी एग्जिट में से घुस रही थी, मैंने इसको बोला एग्जिट है, ये भी था, दोनों से बोला मैंने, मैंने बोला नहीं, कह रहे मेरे को कह रहे यहीं आ जाओ। तो सारे चीज चेक करते हैं ना। अरे फेक होते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे क्लोज हो गया है। सैमा अब कौन यार, और क्या क्या है दिमाग। लोग में देख लेंगे लोग वाक क्या क्या है। मेरा सरप्राइज गाय, मेरा सरप्राइज ये डालना चाहिए ब्लॉग में। ये नाइका सलून की तरह है। इतना दिमाग खराब है ना, मैं इतनी ऊपर के 500 रुपए लगा के आई हूँ यहाँ पे। बन, अरे शुभम ने रिक्शा वाले से पूछा नाइक की कहाँ पे है, तो कह रहा नाइक की दुकान सैलून। और वो अभी तक उससे ही बातों पे लगा पड़ा है। जो दूसरे फंसता है ना वो दूसरे सेकंड खुद गिर जाता है। हाँ दीदी, जो दूसरे फंसता है ना वो दूसरे सेकंड खुद गिर जाता है। सुन रही है क्या? सुन रही है, हाँ जो दूसरा फंसता है वो दूसरे सेकंड में खुद ही गिर जाता है। अभी देखा था ना पहले मैं, फिर तो नहीं, अब तो मैं अपने अलग पे डालूंगा। मैं आज ब्लॉग खोलूंगा चैनल। मुझे कैमरा दिया हुआ है, फोन मेरा है, मेरे कैमरे से बनने यहाँ किस चीज की वसर चल रही है दीदी? ये कह रहा है टैटू बनवा दे मेरा। अब मैं टैटू अगर इसका बनवा दूंगी ना तो मुझे घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। हाँ तो पापा से परमिशन दे दे मुझे, मैं बनवा दूंगी। अभी मजा, अभी अभी लेकिन मजा तो आया घूम के ना। अच्छी अभी मजा तो आया घूम के। आज के बाद मैं शुभम को नहीं लेकर आऊंगी, मतलब उसके बर्थडे गिफ्ट में खुद से परचेज करूंगी, इसको नहीं लेकर आऊंगी। लेकिन बुक कर दे भाई। लेकिन अभी मजा आया ना वहाँ रह के मिलके सबसे। ठीक है, ठीक है गाइस, अभी ये कॉफी घट के ना 300 रुपए की, अभी फिर भी स्टारबक्स के आ गए और मैंने तो अपनी बोतल ही फेंक दी। तीसरे भाई पे कैब बुक नहीं हो रही आधे घंटे से, है ना दीदी? क्या बोलना चाहिए? क्यों यहाँ जब बाहर सिटी में हो जाती है तो, मतलब बाहर सिटी का तो गंदा बोल रही है, बाहर सिटी का तो, ओए भारत सिटी को तो बेकार बोल रही है। तो गाइस मेरे भाई की ना चॉइस मुझे समझ में नहीं आती। ये 6th शोरूम में घुसा है अब
और अभी भी इसको कुछ पसंद नहीं आया। मतलब इतनी देर से कमला नगर के हर शोरूम में जा चुके हैं, एक तो टाइम की बाउंड्री है क्योंकि जल्दी जल्दी सारे के सारे बंद हो रहे हैं, बहुत कुछ ही खुले हुए हैं और कुछ में से इसको पसंद नहीं आ रहा। तो मेरे को समझ में आ रहा है क्या ही लेकर जाएगा क्या नहीं। शुभम पे है ये वाली गिफ्ट हो गई मेरी। बाईस बंदे की आज शॉपिंग नहीं हो पाएगी। इतनी देर से हम लोग ढूंढ रहे थे कि कोई मॉल मिल जाए खुला हुआ जहाँ से शुभम ले ले, बट कोई भी नहीं मिल रहा, सारे H&M ज़ारा सब बंद हो गए। तो फाइनली एक मिला है, देखते हैं अगर यहाँ पे कुछ पसंद आता है तो। ऐसे तो भी बहुत चूज़ी है, इसको पसंद आते हैं। ये ना बहुत चूज़ी लड़का है सच में, ये देख लो नाश्ता हो चुका। मैं भी गिर रही थी यही नहीं। गाइस मेरा ना एक मन होता अगर मेरी एक गर्ल होती ना तो मैं उसके लिए क्यूट क्यूट कपड़े लेती। देखो कितने प्यारे प्यारे कपड़े हैं। ब्रो कैब बुक करो। तो गाइस अभी अभी आरू के पापा भी आ गए ड्यूटी से और देखो हमारी नई गैस आई है, क्योंकि जो हमारी पहले वाली गैस है ना उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और ये ठीक से ना चल रही, तो इसलिए इसको हम हटा देंगे और नई मिल्टन की गैस को लगाएंगे। बताऊंगी कैसी है ये। फोर बर्नर वाली है ना ये भी, फोर बर्नर वाली मंगाई है। एक पे आरू की रोटी बनाएगा, एक पे मैं रोटी बनाऊंगी, एक पे इसका पापा सब्जी बनाएगा, तब भी एक बर्नर बच गया। इस पे क्या होगा? गैस स्टोव। पर वहां से वो हटेगा ना पहले। गाइस वेट भी ज्यादा नहीं है, सही 8 किलो के आसपास है। हां इजीली कोई भी मतलब क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं इसके नीचे से। चलो तो गाइस इन्होंने लगा दी हमारी नई गैस। हमारी नई गैस देख लो, पहले जैसी लग रही है। तो गाइस अभी आप लोगों ने देखा था कि मैंने ये लिया था है ना, और ये मैंने अब लगा दी है। वैसे ये ओपन बाल करके लगाऊंगी ना तो अच्छे तरीके से, इसको मैं कल स्टाइल करूंगी नहा धोकर ना अच्छे से। और ये मैंने ऐसे लगा लिया था बस दिखाने के लिए अपने पति को कि मैं ये लेके आई हूं। बाकी मैं एक और चीज लाई हूं, ये तो मेरा रिचुअल ही हो गया है बोतलें खरीदने का। बाकी आप लोगों को पता है कैसे लिए मैंने, व्लॉग देख लेना अभी। फिर भी ली सीरियस हो गए। फर्स्ट टाइम की गैस मैंने खुद अपने शुभ हाथों से ऑन कर दिया है। गाइस मैं इतनी लेजी हूँ कि मेरे घर की हालत देख लो कैसी हो रखी है, और ये इतने मेहनती है मेरे पति सच में, ड्यूटी से आकर भी मेरी हेल्प करवा लेते हैं।